नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, आज हमारे पास काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है जो है एक कंडेंसर माइक। और गाइज, ये जो कंडेंसर माइक है ये है शाओमी का कंडेंसर माइक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है उसका पैकेजिंग। गाइज, ये है जूनलिन माइक। एक्चुअली पता नहीं एग्जैक्टली क्या सीन है, बट जूनलिन और MI का शायद ही कोलैब होगा और उन्होंने ये बनाया होगा प्रोडक्ट। बट गाइज, जब भी मैंने ऑनलाइन इसे परचेस किया तो MI का ही माइक मुझे बता रहा था कंडेंसर माइक। और गाइज, इसमें इनबिल्ट बैटरी भी है, कई सारे फंक्शंस और फीचर्स है गाइज। सो गाइज, अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते क्या क्या कंटेंट्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे कि कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। सो ये है उसका एक्चुअल बॉक्स और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे आपको जूनलिन की ब्रांडिंग देखने मिलती है और उस माइक की स्केच देखने मिलती है। और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो कम्प्लीटली चाइनीज में दिए हैं। सो गाइस, जैसे हमने इसे अनबॉक्स किया, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी का है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है पावर ऑन का बटन, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन जैसा बटन है। सो बेसिकली जो माइक्रोफोन का रिसेप्शन है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए बस आपको ये बटन प्रेस करके रखना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर की LED लाइट है आप देख सकते हो इंडिकेट कर रही है, मतलब ये पावर ऑन हो चुका है। और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे जूनलिन की ब्रांडिंग दी है और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है टाइप सी पोर्ट जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज, इसके साथ जो कनेक्टर्स मिलते हैं गाइज काफ़ी अलग लेवल के कनेक्टर्स हैं। सो एक जो कनेक्टर है वो है ये चार्जिंग पोर्ट जो है नॉर्मल USB to USB टाइप सी केबल जो इसको चार्ज करेगा। और जो सेकंड कनेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। सो जैसे आप कनेक्ट करते हो यहाँ पे जो लाइट इंडिकेट करती है ब्लिंक हो रही है वो स्टॉप हो चुकी है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक कनेक्टर देखने मिलेगा जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हो 3.5 mm का जैक, मतलब आप हेडफोन भी इसकी हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो, प्लस एक्सटर्नल स्पीकर एम्पलीफायर भी इसकी हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। प्लस गाइज, यहाँ पे और एक पॉइंट आपको देखने मिलेगा और एक वायर आपको देखने मिलेगी जो है 3.5 mm का जैक। सो गाइज, इसकी हेल्प से आप कोई भी डिवाइस में साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब साइमल्टेनियसली आप उस डिवाइस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो प्लस साउंड को एम्पलीफाई भी कर सकते हो। सो गाइज, यही सारे कंटेंट्स आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलते हैं। सो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है ये माइक। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे माइक स्टैंड के ऊपर प्लेस किया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास है ये फ़ोन। सो बेसिकली यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताना चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम पे आप इसकी हेल्प से कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास है ये सारे कनेक्टर्स, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं हमारे फ़ोन के साथ इसे। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो माइक है हमने कनेक्ट किया हमारे फ़ोन के साथ और जो फ़ोन में आपको फुटेज देखने मिलेगा आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको राइट हैंड साइड में देखने मिलेगा, राइट लेफ्ट साइड में। और गाइज, यहाँ पे हम जो साउंड है इसका स्विच करेंगे, मतलब जो माइक्रोफोन रिसेप्शन है उसे स्विच करेंगे। सो अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं वो है इस बोया माइक का साउंड। और गाइज, जैसे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बस एक छोटा सा डेमो आपको बताना चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम पे आप कैसे बात कर सकते हो और कैसे रहेगी इसकी साउंड क्वालिटी, इसमें नॉइस कैंसिलेशन है नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैंने स्टार्ट कर दी है गाइज, और ऐसे कंसिडर करो ये एक लाइव स्ट्रीम है और यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा हूँ और अभी आपको जो भी साउंड क्वालिटी सुनाई देगी ये कम्प्लीटली इस माइक्रोफोन से है। सो यहाँ पे जो बोया का माइक है उसका साउंड मैंने कैंसिल किया है और अभी जो भी साउंड आ रहा है इस माइक से आ रहा है। और गाइज, मेरे हिसाब से ये जो कंडेंसर माइक है काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करना चाहिए, काफ़ी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी होनी चाहिए। सो गाइज, बस यही आपको बताना चाहता था। और गाइज, बस यही था एक छोटा सा डेमो आपको लाइव स्ट्रीम का और इसके साउंड क्वालिटी का। प्लस गाइज, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया फीचर देखने मिलता है जो है इसका और एक कनेक्टर। सो बेसिकली आप हेडफोन या फिर एक्सटर्नल स्पीकर इसको कनेक्ट कर सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर आपके सामने ऑडियंस है और आपको लाइव स्ट्रीम भी करना है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस है, आप कोई सिंगिंग का प्रोग्राम कर रहे हो, सो आप जो ऑडियंस है उन्हें भी आप स्पीकर की हेल्प से एम्पलीफाई करके साउंड दे सकते हो, प्लस आप कंटिन्यूसली उसके साथ ही साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो और लाइव स्ट्रीम में भी जो साउंड है आपका इको नहीं होगा और काफ़ी बढ़िया आपको आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डेमो बताना चाहता हूँ और फिर हम इसे टर्न ऑन करते हैं। सो गाइज, ये टर्न ऑन हो चुका है और फिर अभी हम इसे टेस्ट करेंगे एग्जैक्टली कैसे ये वर्क करेगा। सो गाइज, यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे और प्लस इसका जो साउंड एम्पलीफिकेशन है वो भी आपको सुनाई देगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप जो भी साउंड सुन रहे हैं वो एक्चुअली इस बोया माइक का है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है आप देख सकते हो जो इसका वॉल्यूम है हम लोग ऐड करते हैं प्लस करते हैं
और काफ़ी बढ़िया आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। सो ये एक्चुअली स्मार्टफोन के साइड में उसके लिए थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करेगा क्योंकि माइक के भी नज़दीक है, बट गाइस इसका जो साउंड है ट्रस्ट मी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी क्लियर इसका साउंड आउटपुट है। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि फ़ोन और माइक्रोफोन दोनों भी पास में, बट गाइज जो साउंड क्वालिटी है गाइज ट्रस्ट मी काफ़ी बढ़िया है। और गाइज अभी आपको जो भी आउटपुट साउंड आएगा ये कम्प्लीटली इस माइक का साउंड है और इस लाइव स्ट्रीम का साउंड है, और इसमें आप सुन सकते हो ये जो स्पीकर है इसका इको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस आपको जो माइक का साउंड है क्लियरली सुनाई दे रहा है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी इवेंट में हो जहाँ पे आपको सिंगिंग करना है, आपके सामने ऑडियंस भी है और आपको साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीम भी करना है, सो गाइज ये काफ़ी बढ़िया माइक है, जैसे कि गेमिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और गाइज इसका जो साउंड आउटपुट है ट्रस्ट मी गाइज काफ़ी बढ़िया है। सो गाइज अभी हम इसे टेस्ट करेंगे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, क्या उसमें ये कनेक्ट हो पाता है या नहीं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास है ये मैकबुक और अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। सो यहाँ पे हमने इसे पावर ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। सो बस आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और फिर हम देखेंगे क्या इसमें डिटेक्ट होता है या नहीं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल माइक्रोफोन और मैकबुक का माइक्रोफोन दोनों भी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ। गाइज आप देख सकते हो एक्सटर्नल माइक्रोफोन और जो मैकबुक का माइक्रोफोन है दोनों यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग जो है इसकी स्टार्ट करके देखते हैं मतलब कैसे एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है। और गाइज अभी जो भी साउंड रिकॉर्ड हो रहा है इस कम्प्लीटली माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आनी चाहिए इसकी। और गाइज ये एक्चुअली डेमो ही है, पहले हमने साउंड क्वालिटी देखी है इसके काफ़ी बढ़िया है, बस यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मैकबुक में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। सो यहाँ पे बस मैं इसे पॉज करता हूँ और फिर यहाँ पे हम इस जैक को रिमूव करके इस जो भी ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया उसे प्ले करते हैं। और गाइज अभी जो भी साउंड रिकॉर्ड हो रहा है इस कम्प्लीटली माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आनी चाहिए इसकी। और गाइज ये एक्चुअली डेमो ही है, पहले हमने साउंड क्वालिटी देखी है इसके काफ़ी बढ़िया है, बस यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मैकबुक में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। सो यहाँ पे बस मैं इसे सो गाइज यहाँ पे जैसे आपने देखा आप मैकबुक के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, पीसी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, आप गेमिंग के लिए डेस्कटॉप वगैरह हर एक चीज़ के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। बट गाइज यहाँ पे एक ही इसका ड्रॉबैक है कि मेरे पास है ये कैनन का 200D कैमरा और गाइज इसके साथ मैंने इसे कनेक्ट करने का ट्राई किया बट कनेक्ट नहीं हुआ। बट गाइज बाकी जितने भी सारी चीज़ें थी लाइक मोबाइल फोन सारी चीज़ों में कनेक्ट हो रहा है और प्रॉपरली साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। सो गाइज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये माइक है, कंडेंसर माइक। और गाइज ऐसे फीचर्स आपको इंडिया में जितने भी सारे माइक्स अवेलेबल है अगर उनमें मिल भी जाएंगे सो उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, महंगी होगी, और ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपीज़ की प्राइस में। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो बैटरी कैपेसिटी है इसकी 600 mAh जो आपको कंटिन्यूस 8 आवर्स का रिकॉर्डिंग टाइम देगा, मतलब आप 8 आवर्स इसकी हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम जो भी चीज़ है आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइस जैसे आपने देखा इस जून लीन माइक जो है Xiaomi के माइक का वर्किंग, गाइस ये कंडेंसर माइक है और ट्रस्ट में इसका जो साउंड क्वालिटी है गाइस सुपीरियर है, काफ़ी अलग लेवल पे है और रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है। प्लस आप इसका जो साउंड है मतलब जो रिसेप्शन है माइक्रोफोन का उसे भी कंट्रोल कर सकते हो प्लस माइनस की हेल्प से। और जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया फीचर, साइमल्टेनियसली आप स्पीकर के ऊपर इसे एम्पलीफाई भी कर सकते हो और साइमल्टेनियसली साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया और वर्थ है ये एक्चुअली प्रोडक्ट और मैंने इसे परचेस किया है AliExpress.com से 3200 रुपीज़ की प्राइस में। और गाइज जब भी मुझे ये रिसीव हुआ इंडियन पोस्ट से ही मुझे ये रिसीव हुआ तो मुझे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, दैट्स इट। सो 3200 रुपीज़ प्लस शिपिंग था कुछ $1.60, सो 3300 तक ये जाता है टोटल। सो गाइज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है और अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। और गाइज AliExpress से परचेस करना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि AliExpress में पे करने के बाद मतलब प्रोडक्ट रिसीव होगा नहीं रिसीव होगा, सो ऐसी कोई भी बात नहीं। बैंगूड, AliExpress, GearBest.com ये सारे जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है काफ़ी सेफ है, प्लस उनके कस्टमर पोर्टल्स भी है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सो गाइज बस यही था आज के वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।